नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल शशि गढ़वा पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे राशन कार्ड को कैसे आप सरेंडर कर सकते हैं दोस्तों, यानी अपना राशन कार्ड को कैसे रद्द करवा सकते हैं। इस वीडियो में प्रोसेस, सारा प्रोसेस जानेंगे दोस्तों। तो यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लिए योग्यता, राशन कार्ड का योग्यता जो यहाँ पर मापदंड दिया हुआ है दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, खाद्य सुरक्षा यहां पे अधिनियम के अंतर्गत यहां पे जो निर्धारित मानक है दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है दोस्तों सारा डिटेल, आप इसको यहां से पढ़ सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं जो जिनके पास यहां पे नौकरी है दोस्तों, सरकारी नौकरी यहाँ पर जो करते हैं, उनका यहाँ पर राशन कार्ड नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। और यहाँ पर बहुत से कारण यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जिनका बनाया जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि किनका यहाँ पर राशन कार्ड यहाँ पर बनाया जा सकता है। और इसके बाद नीचे और यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि किसका राशन कार्ड यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, यहाँ पे रद्द करना होगा दोस्तों। इन लोगों को अगर यहाँ से, यहाँ गलती से अगर बन गया है दोस्तों, तो यहाँ पे इन लोगों को रद्द करवा लेना चाहिए। इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों, और आसानी से अपना पढ़ सकते हैं। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि राशन कार्ड को रद्द कैसे कराना है, यानी सरेंडर कैसे करना है। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, और यहां पे ऑनलाइन सेवा में यहां पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन यहां पे दिया हुआ है। इस पे हम यहां पे क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा राशन कार्ड सरेंडर का, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको अपने DSO ऑफिस में जाना होगा दोस्तों, यानी अपना जो भी जिला आपूर्ति कार्यालय है दोस्तों, वहां पे आपको अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड और बैंक पासबुक, ये सारा चीज़ अगर केवल आपके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है तो उसे भी लेके जा सकते हैं दोस्तों। बैंक पासबुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक मोबाइल नंबर आप लेके जाए दोस्तों, और वहाँ पर आप एक आवेदन लिख के आपको जमा करना होगा, और उसके साथ में अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड को अटैच करके वहाँ पर जमा कर दें। और जैसे आप वहां पे जमा करते हैं, आपका वहां पे जो भी राशन कार्ड है दोस्तों उसको रद्द कर दिया जाएगा, और एक दो दिन में आपका रद्द हो जाएगा दोस्तों। आसानी से वहां से अपना जो भी राशन कार्ड है आपका रद्द हो जाएगा, और आपका फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। इस तरह से आप अपना राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी सवाल हो तो आप